नमस्कार। अगले 15 मिनट पे आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं। नमस्कार, तो शुरू करते हैं न्यूज ऑन विद पिनाक्षी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 1 पुलिस कांस्टेबल शहीद, सेना और पुलिस के 4 जाबाजों के अलावा 1 नागरिक भी जख्मी। कुल मिलाकर 7 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने नौगाम में 4 आतंकियों को किया ढेर, आतंकियों से कई हथियार मिले। कश्मीर में 65वें दिन भी जारी रहा कर्फ्यू, पत्थरबाजी के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई इलाकों में सेना की तैनाती। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों में झड़प, सेना ने किया फ्लैग मार्च। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने हमलों को बताया पाकिस्तान के कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का मिशन, अब घेरेंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। अगले हफ्ते 5 दिन के लिए जाएंगे रशिया, रशिया के बाद 1 हफ्ता अमेरिका का दौरा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा के खिलाफ आवाजें तेज, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बलूच कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, साउथ कोरिया में बलूच रिपब्लिकन पार्टी ने जताया विरोध। जाकिर नाइक ने खेला मुस्लिम कार्ड, खुले पत्र में लिखा मुस्लिम होने की वजह से बनाया जा रहा है निशाना। जाकिर नाइक के खुले पत्र पर गृह मंत्रालय की चेतावनी, किरण रिजिजू ने कहा धर्म को आतंक से जोड़ने का नहीं चलेगा प्रोपेगेंडा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा धर्म की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है जाकिर नायक, कहा गलत बयानबाजी का देना पड़ेगा जवाब। फिर मुश्किल में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, दिल्ली के हौसखास थाने में एफआईआर दर्ज, बिना किसी आदेश के एम्स की दीवार तोड़ने की कोशिश का आरोप। ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खां का दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत सभी पदों से इस्तीफा, केजरीवाल से चिट्ठी में कहा मुझे झूठे आरोपों में फंसाने की हो रही है कोशिश। गिरफ्तार हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, बयान दर्ज कराने पीड़ित महिला कोर्ट पहुंची, 4 साल से परेशान करने का आरोप। ब्राजील से एम्ब्रॉयड जेट डील में कथित घूसखोरी पर रक्षा मंत्री पर्रिकर ने की जांच के बाद बोले कुछ गलत पाया तो सीबीआई करेगी जांच। 4 करोड़ कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, पीएफ पर ब्याज दर कम करने की तैयारी में है सरकार, 0.2% घटा सकती है दरें, श्रम मंत्रालय ने मानी वित्त मंत्रालय की राय। मिशन यूपी पर राहुल गांधी, आजमगढ़ से मऊ तक राहुल का रोड शो, केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों से मिलने पर पीएम मोदी के कपड़े गंदे हो जाएंगे। मऊ के बड़ा गांव में राहुल ने दलित के घर किया लंच, गांव वालों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को बताई परेशानियां, राहुल ने दिया मदद का भरोसा। यूपी के सहारनपुर में मोदी सरकार पर मायावती का हमला, कहा सिर्फ बड़े किसानों का ही हुआ कर्ज माफ, छोटे किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप, समाजवादी पार्टी ने बताया गुंडा राज। हरियाणा के जींद में बीजेपी की गौरव रैली में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वाड्रा लैंड डील मामले में हुड्डा पर किया हमला, कहा दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हुड्डा ने हरियाणा लूटा। पंजाब के मोगा में अरविंद केजरीवाल ने फिर चली सब कुछ मुफ्त देने की चाल, विक्रम सिंह मजीठिया को जेल भेजने का दावा किया, कहा बादल परिवार की संपत्ति करूंगा जब्त। एमपी के बिलासपुर में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने फिर उठाए जजेस की नियुक्ति के पर सवाल, पीएम मोदी से अपील की, कहा पद्धति जो भी हो रास्ता निकालना चाहिए। हरियाणा के हिसार में हस्तशिल्प कला में माहिर महिलाओं से मिले राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, हिसार के विकास में असंभव मदद कर दिया भरोसा। रामदेव की नजर अब ब्रांडेड कपड़ों के मल्टीनेशनल बाजार को पीटने पर, जीन्स के साथ साथ जूते भी बनाएगा अब पतंजलि, रामदेव बोले प्रपोजल तो बैंकिंग सेक्टर में भी उतरने का। शाहबुद्दीन की जमानत के खिलाफ अपील करेंगे वकील, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे याचिका, दोबारा जेल जा सकते हैं शाहबुद्दीन। बिहार के सिवान पहुंचे शाहबुद्दीन ने नीतीश पर फिर साधा निशाना, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से की तुलना, कल नीतीश को बताया था हालात का सीन। शाहबुद्दीन पर नीतीश कुमार का 2 ठूक जवाब, कहा शाहबुद्दीन के वादों पर जवाब देने के लिए नहीं मिला जनादेश, कोर्ट से करे सवाल। नीतीश कुमार की मधु कोड़ा से तुलना पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा 11 साल जेल में रहने के बाद सर्टिफिकेट ना दे शाहबुद्दीन। जेल से बेल मिलते ही शाहबुद्दीन ने कानून को दिखाया ठेंगा, मुजफ्फरपुर जिले में बिना टोल दिए की एंट्री, काफिले में शामिल गाड़ियों में किसी ने नहीं भरा टोल टैक्स। पत्रकार राजदेव रंजन मौर्य केस में पत्नी आशा ने फिर मांगी सीबीआई जांच की मांग, शाहबुद्दीन के जेल से बाहर आने पर परिवार को बताया खतरा, सुरक्षा की मांग।
मॉडल निकाहनामे में महिलाओं को भी तीन तलाक का हक। ट्रिपल तलाक पर जारी बहस के बीच श्या पसंद बोर्ड ने नया निकाहनामा पेश किया। यूपी के प्रतापगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के काफिले पर हमला। समाजवादी पार्टी समर्थकों पर विधायक आर के वर्मा को पीटने का आरोप। नाराज कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अस्पताल की संवेदनहीनता ही सामने। इलाज की रकम वसूलने के लिए 8 दिनों तक शव को बंधक बनाने का आरोप। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने फर्जी आईजी को किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहा था ठगी। कई लोगों को लगाया चूना। मेरठ के क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने खेली दूसरी पारी। क्रिकेटर से बने राजनेता। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। विधानसभा का लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी के मेरठ में देखी सिस्टम की शव यात्रा। वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से युवक की मौत। बाइक पर शव लेकर लौटा परिवार। यूपी के हापुड़ में दो दरोगाओं पर जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप। शोर मचाने पर वायरलेस और कैप छोड़कर फरार। दिल्ली पुलिस के सिपाही की बहन ने लगाया आग। पंजाब के तरन तारण में आम आदमी पार्टी में फिर पड़ी फूट। पार्टी से हटाए गए सुखजा सिंह को समर्थन देने की घोषणा के साथ आम आदमी पार्टी के SC ST विंग के नेता इकबाल सिंह ने दिया इस्तीफा। फगुवालिया समर्थकों ने पंजाब के तरन तारण में केजरीवाल टीम पर रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार यौन शोषण के लगाए आरोप। पोस्टर और पुतले जलाकर सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरक सिंह रावत की पत्नी कांग्रेस ने आउट। प्रदेश कांग्रेस ने दीप्ति रावत समेत दो महिलाओं के पार्टी ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा। नदी में पलटी बोट। बीजेपी विधायक समेत 11 लोगों का किया गया रेस्क्यू। ऑल इंडिया नीट रैंकर्स के लिए अच्छी खबर। केरल हाईकोर्ट का सीट ब्लॉकिंग रोकने का फैसला। कहा जब तक सीटें फुल ना हो जारी रहे काउंट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नेशनल हाईवे 74 की हालत खराब। गांव वालों ने रास्ता रोककर लगाया जाम। आश्वासन मिलने के बाद हटे प्रदर्शनकारी। राजस्थान के जैसलमेर में BSF की कार पलटी। 5 जवान हुए घायल। इलाज के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। गुजरात के सूरत में जहरीली शराब से 48 घंटों में 15 लोगों की मौत। कई लोगों की हालत गंभीर। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए बनाई कमेटी। टिंडा में पानी के लिए लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन। बीते 9 महीने से सरकार पर पानी की राशनिंग का लगाया आरोप। पुलिस ने पहुंचकर संभाला हालात। हैदराबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखे ड्रमों में धमाके की वजह से और भड़की आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के मुंडका में प्लास्टिक गोदाम में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में लालबाग का राजा। गणपति पंडाल के कार्यकर्ताओं ने की पुलिस अफसरों के साथ बदसलूकी। VVIP दर्शन को लेकर हुआ विवाद। CCTV में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। राजस्थान के झुंझुनू में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट। अवैध कनेक्शन पर हुई थी कार्रवाई। 35 गांव वालों पर राज कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज। शाही ठाट के लिए मशहूर ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची राजस्थान के जैसलमेर शहर। स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सैलानियों का जोरदार स्वागत। सेमी हाई स्पीड टैल्गो ट्रेन का फाइनल ट्रायल पूरा हो गया है। आखिरी ट्रायल में 3 मिनट लेट हुई ट्रेन। 12 घंटे से भी कम वक्त में दिल्ली से मुंबई पहुंची टैल्गो। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। पुलिस ने बदमाशों की बाइक, पिस्टल और एक तमंचा किया बरामद। यूपी के मऊ में एक महिला ने की मनचले की सैंडल से जोरदार पिटाई। रेलवे स्टेशन पर महिला को कर रहा था गंदे गंदे इशारे। पीड़िता ने भीड़ इकट्ठा करने के बाद किया हिसाब बराबर। MP के मंदसौर में GN गोल्ड नाम की चिटफंड कंपनी पर करोड़ों की ठगी का आरोप। गोल्ड हजारों लोगों से पैसे दोगुने करने के नाम पर किया गया धोखा। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के कौशाम्बी में एक बुजुर्ग की हत्या। पड़ोसी की भैंस खरीदने के लिए लगाई थी ऊंची बोली। घटना से नाराज दूसरे पड़ोसी ने धारदार हथियार से की हत्या। बिहार के गोपालगंज में दलित समुदाय की नाबालिग लड़की से रेप। गांव के ही एक युवक पर रेप का आरोप। ग्वालियर में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत। पुलिस के को पास से मिला सुसाइड नोट, लेकिन हथियार नहीं मिलने की वजह से हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच अभी जारी है। पंजाब के अमृतसर में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। डिप्रेशन में पहले भी काट चुका था हाथों की नस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पंजाब के गुरदासपुर में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की अपने ही सगे पिता की हत्या। प्रेमी से मिलने से पिता ने किया था इनकार। पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल था मृतक पिता।
इलाहाबाद में दुकान से मोबाइल और लैपटॉप चोरी का वीडियो सामने आया है। वीडियो की मदद से चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। अजमेर में एक विधवा के साथ रेप की वारदात पंचायत के सामने। आरोपी ने पीड़िता को ही साबित किया डायन। पंचों ने मुआवजे के तौर पर तय की 4,000 रुपए कीमत। हरियाणा के सिरसा में एक डेयरी के कार्यकर्ताओं ने शुरू की खास पहल। बेसहारा जानवरों को सड़क हादसों से बचाने के लिए गले में बांधे जा रहे रिफ्लेक्टर वाले पट्टे। दिल्ली में फेसबुक पर माई डेली कीप इट क्लीन नाम का ग्रुप बना देश के लिए मिसाल। सोशल अवेयरनेस के लिए शहर में करते हैं सफाई। ग्रुप में स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर्स जैसे 1,000 से ज्यादा सदस्य। वडोदरा में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। बप्पा को सोने का जनेऊ अर्पण कर शास्त्रोक्त विधि से करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना की। मुंबई में लालबाग के राजा के दर पर पहुंचे सचिन तेंदुलकर। बेटे अर्जुन के साथ ही पूजा। परिवार ने भी बप्पा के सामने मत्था टेका। बप्पा के दर पर सेलिब्रिटीज का तांता। मुंबई के बायकुला में लगे पंडाल में ऐश्वर्य और अभिषेक बच्चन ने साथ पहुंचकर की गणपति वंदना। रात में भी गणेश उत्सव की रौनक है मुंबई में। बरकरार 16 दिन तक रहने वाले अंधेरी चार राजा पंडाल में रात 2:30 बजे भी भक्तों की लंबी लंबी कतार है। मुंबई के खेतवाड़ी में राजस्थानी महल की थीम में बने पंडाल में विराजे हैं गणराज। पंडाल की सजावट और 14 फीट ऊंची मूर्ति देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके में यानी मस्जिद बंदर में सिद्धिविनायक मंदिर की बनाई गई रेप्लिका। हिंदुओं के साथ साथ पंडाल में मुस्लिम लोग भी पहुंच कर ले रहे हैं आशीर्वाद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भगवान गणेश को चढ़ाया गया करीब 30 टन का मोदक। मोदक बनाने में खर्च हुए करीब 50 लाख रुपए। पंडाल में भगवान गणेश की है 78 फीट ऊंची प्रतिमा। चेन्नई में सैकड़ों भक्तों ने किया भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन। समुद्र तट पर प्रशासन ने किए खास इंतजाम। विसर्जन देखने के लिए विदेशी सैलानी भी पहुंचे। अमेरिका में 9/11 के हमले के 15 साल पूरे। राष्ट्रपति ओबामा ने गुनहगारों को सजा दिलाने का दावा करते हुए कहा अमेरिका आतंक से नहीं डरेगा। इराक की राजधानी बगदाद में एक के बाद एक 5 जगह पर धमाके। 12 लोगों की मौत 27 से ज्यादा लोग घायल। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका कैफे हमले में शामिल एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराया। कार्रवाई में घायल 3 महिला आतंकी गिरफ्तार। श्रीलंका के कोटे शहर में पारंपरिक पेराहेरा परेड का आयोजन। खूबसूरत पोशाकों में सजे हाथी हुए परेड में शामिल। डांसर्स ने भी किया पारंपरिक डांस। दक्षिणी चाइना में पुल टूटने से हादसा 5 लोग घायल 3 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं। इंग्लैंड में रोबोट ने किया 70 साल के बुजुर्ग की आंखों का सफल ऑपरेशन। दुनिया में आंख के अंदर किसी हिस्से को रोबोट से ऑपरेट करने का यह पहला मामला है। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी ने जारी किया किम जोंग उन का वीडियो। फैक्ट्रियों और फार्म्स का जायजा लेते नजर आ रहा है किम जोंग। स्पेन में बुल फाइटिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सदियों से चली आ रही परंपरा बंद करने की मांग। हज यात्रा के अंतिम चरण के लिए सऊदी अरब में मक्का के पास अराफात पहुंचे लाखों श्रद्धालु। पिछले साल हुए हादसे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 सितंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन कल। कोलकाता में संदीप पाटिल की अध्यक्षता में होगी सिलेक्शन कमेटी की बैठक। घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्टर्स दे सकते हैं टीम में अतिरिक्त गेंदबाज को मौका। वहीं बल्लेबाजों में पुजारा और रोहित के बीच जगह बनाने को लेकर टक्कर। बीसीसीआई ने सिलेक्टर्स के इंटरव्यू के लिए बनाए कड़े नियम। एप्लीकेंट्स के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव होना जरूरी। 60 साल की आयु सीमा भी तय। देश भर से मंगाए गए आवेदन। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का आईसीसी चेयरमैन और पूर्व बोर्ड अध्यक्ष शशांक मनोहर पर निशाना। का जरूरत के वक्त बीसीसीआई को डूबते जहाज की तरह छोड़ गए शशांक मनोहर। सचिन तेंदुलकर की खेल मंत्रालय की सलाह। ओलंपिक्स में अच्छे प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को विदेश भेजने की जगह। विदेशी कोचों को भारत बुलाने की सलाह। यूएस ओपन का मेंस फाइनल आज। खिताबी टक्कर में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच का सामना स्विट्जरलैंड के स्टेन से होगा। जी टीवी के टेलीविजन शो अम्मा में शबाना आजमी करेंगे लीड एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा को रिप्लेस। सीरियल में खास रोल को देखते हुए शबाना ने भरी निर्माताओं के सामने हाथ। अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की नई फिल्म द रिंग की शूटिंग एम्स्टर्डम में जारी। डायरेक्टर इम्तियाज अली के निर्देशन में बन रही है फिल्म।
रणवीर सिंह और वाणी कपूर स्टार फिल्म बेफिक्रे का पहला गाना रिलीज। 3.25 मिनट के गाने में 25 अलग अलग जोड़ियां करती दिख रही हैं किस। शाहरुख खान ने अपने बेटे अब्राम के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। वीडियो में अब्राम और शाहरुख स्पाइडरमैन के गेटअप में नजर आ रहे हैं। करिश्मा तन्ना ब्रेकअप के बाद उपेन पटेल डिनर डेट पर एमी जैक्सन के साथ दिखाई दिए हैं। मुंबई के बांद्रा में एक रेस्टोरेंट के बाहर एमी ने की चेहरा छिपाने की कोशिश। एक्टर से प्रोड्यूसर बने सोनू सूद की फिल्म तू तक तूतिया में एक्टिंग करेंगे डायरेक्टर फराह खान। फिल्म में गेस्ट अपियरेंस देंगे। डायरेक्टर आनंद एल राय से खफा है दीपिका पादुकोण। सूत्रों के मुताबिक राय ने अपनी फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट कटरीना को किया है साइन।